आपको जैसे पता ही है कि ये पहले नाला था, अब इसको सरकार ने बंद कर दिया। नहीं ये अभी यहाँ पे बहुत अच्छा काम चल रहा है, बहुत बढ़िया है, बहुत अब देखने वाला है। टाइलें लॉक टाइल लग गई है यहाँ पे, सभी जगह सीवरेज पड़ गए हैं। सर बारिश हो रही है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बारिश में आनंद आ रहा है हमें। सुबह से बारिश हो रही है, वैसे मैं आपको पता ही है काम करने को मन नहीं था। नगर कैसा था? तो बेटर है। ओके। पर यहाँ पे सड़क रह जाती तो बहुत अच्छा था। सारी मतलब ऐसी लॉकिंग टाइलें। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? हो तो आप लोग सारे अच्छे होंगे। एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरी नई वीडियो नए ब्लॉग में। तो आज मली मास का जो है सेकंड डे है, और सेकंड डे में ही पटियाला में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। आपको ना पहले बैकग्राउंड कैमरा मार के कुछ व्यूज दिखाते हैं कि मैं कहाँ पे घूम रहा हूँ और किस सिचुएशन में घूम रहा हूँ। ये देखे गाइस, भाई साहब यहाँ पे ना सुबह से बारिश हो रही है। बता देता हूँ मली मास का सेकंड डे है। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस, ये ना मतलब जिन्होंने इंडिया छोड़े काफ़ी टाइम हो गया, पटियाला छोड़े बहुत टाइम हो गया, उनके लिए बता देता हूँ मैं, ये हमारा चमकता विकास नगर है। तो भाई अब हमारा विकास नगर सच में विकास हो गया है। यहाँ पे कुछ इस तरह से रोड बन गई है और मैं ना छतरी लेके घूम रहा हूँ, मतलब छतरी में शूट कर रहा हूँ। बारिश की आवाज़ से जो मेरी वॉइस है मुझे नहीं पता कितनी आ रही होगी। तो पहले आपको ना आगे लेके चलते हैं, कुछ दिखाएंगे आपको हमारे विकास नगर में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। भाई जो ना पटियाला में रहते हैं लाइक उनको वो पहले उनको बहुत वो था कि यार हम बहुत पॉश एरिया में रहते हैं, जैसे जो लोग अर्बन स्टेट रहते हैं इन जगह में रहते हैं ना, तो भाई वहाँ पे ना कम से कम 8-8 फुट 10-10 फुट 5-5 फुट तो मिनिमम पानी आया ही था। तो हमारा जो इलाका है बहुत आउटर आ जाता है, तो यहाँ पे भाई ऐसा कुछ नहीं है। बारिश बहुत तेज़ हो रही है पर यहाँ पे ना इतना पानी नहीं खड़ा होता, ना यहाँ पे इतना पानी आया है अभी तक। तो हमारे एरिए की बेशक मनी के हिसाब से वैल्यू कम है, बट वैसे वैल्यू बहुत ज़्यादा है यार अगर आप लोग सेफ हैं। तो भाई यहाँ पे ना बारिश में ब्लॉगिंग चल रही है। भाई यहाँ पे ना ये दिखाते हैं आपको जो हमारे चमकते विकास नगर में चेंजेस आए हैं। ये सामने दिख रहा है आपको, ये ना पूरा ये पार्क बना दिया इन्होंने, यहाँ से लेके ये अबलोवाल तक पूरा इस तरह से कुछ व्यूज़ है ये बना रखा है यहाँ पे। और वहाँ पे ना सामने हमारे फ्रेंड खड़े हो रखे छतरी लेके, उसके पास चलते हैं। यहाँ पे ना देखिए थोड़ा सा पानी यहाँ पे जमा हो रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई इतने पानी से। और यहाँ पे ये जितना भी आपको फ्रेम में चीज़ें दिखा रहा हूँ मैं, ये देख रहे हो आप जितना भी आपको फ्रेम में दिखा रहे हैं, ये भाई ये ना सारा ऐसे ही बना रखा है और ये अभी बनाया मतलब। और सारी रोड्स वगैरह यहाँ पे ना जैसे आप उसमें देख रहे हो, पहले यहाँ पे बहुत ख़राब सड़कें थी और यहाँ पे पूरा नाला था। अभी चेंजेस क्या हुए हैं ये आपको दिखाया जा रहा है फ्रेम में यार। जैसे मेरे दोस्त जो बाहर रहते हैं, रंजन हो गया, गुरलाल हो गया, जो काफ़ी टाइम से यहाँ पे आए नहीं, करण चारीवाल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ये सारी चीज़ें भाई हमारे एरिया में बहुत चेंजेस हो गई हैं। लाइक मैं आपको ना एक चीज़ और बताता हूँ, मेरे दीदी रहते हैं सोलन, सबको पता है जो कविता दीदी हैं, तो वो जब यहाँ पे आ रहे थे ना हिमाचल से, मतलब पटियाला आ रहे थे जब ये सारा डेवलप होने के बाद, तो ना वो ना ऑटो वाले को बोले थे भैया तुम मुझे किडनैप तो नहीं करके लेके जाना, क्योंकि यार उसको भी मतलब उसको 25 साल हो गए यहाँ पे रहते, हमें इतना टाइम तो हो ही गया है, तो उसको भी पता नहीं लग रहा था कि वो कहाँ लेके जा रहा है, मतलब इतना चेंजेस हो गया है यहाँ पे। ये देखिए आप यहाँ पे कुछ इस तरह से व्यूज़ दिखाता हूँ यार, ये ना सारा ऐसे ही बना रखा है। तो ये तो मैं आपको अपने एरिए का दिखा रहा हूँ जो मेरे एरिए का, और यहाँ पे मतलब ये सारा सीधा ऐसे ही पार्क बना रखा है, बहुत बढ़िया बना रखा है लोगों के घूमने के लिए। ये अभी हम विकास नगर की ना 6 नंबर गली में घूम रहे हैं और आपको बारिश में ब्लॉगिंग कर रहा हूँ मैं, मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है यार मुझे तो। हल्के हल्की रेनफॉल पैरों में लग रहे हैं, बारिश के छिट्टे, और यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं अपने एरिए में तो यार, कि हाँ हमारे एरिए का एक यूट्यूबर है जो वीडियो बना। देखिए चौड़िया चौड़िया सड़कें बन गई है, कभी यहाँ पे ना नाले हुआ करते थे और बहुत मतलब नालों की वजह से बहुत ज़्यादा क्लेश हुआ करता था। ये देखिए अब कुछ व्यूज़ देखे यहाँ का, बहुत बढ़िया हो गया। और हमारे सूरी भैया, हेलो भैया, बारिश में कहाँ भीग रहे हो आप, हैं बारिश में भीग रहे हो आप? ये हल्की हल्की ग्रीनरी हो रखी है यहाँ पे। ये साथ ही लेफ्ट साइड में हमारे 5 नंबर गली में पंचमुखी हनुमान मंदिर,
ये देखो, ये ना इन्होंने ऐसे ही बना रखा है। देखिए कब से, मतलब हमारी 8 नंबर गली से शुरू हो गया था ये चीज़ बननी, और ये सारा ऐसे ही है सीधा। और ये बिल्कुल आपका अवलोवाल तक, जैसे बता रहा हूँ मैं अभी, ये तो सोमवार की मंडी तक ऐसे बना रखा है। उसके बाद इन्होंने फुटपाथ लाइन बना रखी है। लेके चलेंगे यार आपको ना वहाँ तक भी। ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है जितना, ये तेजिंद्रा पब्लिक स्कूल था पहले, मतलब यहाँ पे जब मैंने स्कूलिंग करी थी 10th की, तो काफ़ी सारे मेरे दोस्त हैं जो यहाँ से पास आउट हो चुके हैं अपनी लाइफ में। अब तो यार ये बंद हो गया, अब कोई रीज़न होगा बंद होने का वो मुझे नहीं पता, बट अब ये स्कूल जो है बंद हो गया। बट मुझे लगता था इसको बंद नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अच्छा चलता था। बाकी किसी चीज़ को चलाने के लिए मतलब बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, हो सकता है कोई रीज़न हो बंद होने का। ये देखिए TPS का गेट है यहाँ पे, तेजिंद्रा पब्लिक स्कूल का। बारिश में शूट कर रहा हूँ मैं, तो इस वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कि जो हमारे विकास नगर में चेंजेस हुए हैं बिफोर वर्सेस आफ्टर में, वो आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे ये सारा पुलिया मतलब ऐसे ही बना रखी है, जो आपको पार्क दिखा रहे हैं बहुत अच्छे बना रखे हैं, घूमने के लिए बहुत बढ़िया है यहाँ पे। ये देखिए, और ये ना काफ़ी टाइम हो गया बनने को इसको, तो मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि इस चीज़ को कवर करा जाए, बट वो हो नहीं पा रहा था। बट आज हो गया, बारिश में ब्लॉगिंग कर रही है, बहुत मज़ा आ रहा है भाई। ये ना बारिश का कुछ व्यूज़ है जो आपको फ्रेम में दिखा रहा हूँ मैं। ये देखिए सारा, मतलब ज़्यादा पानी नहीं है यहाँ पे ना, थोड़ा नीवा है जिसकी वजह से, कच्चे की वजह से वहाँ पे आपको पानी ज़्यादा लग रहा होगा। तो भाई अभी मतलब गाड़ी वाले लक्की भाई हमारे पूछ रहे थे कि तुझे जाना है यार, मतलब ये ना ये सोमवार की मंडी है जो जहाँ पे लगती है, बहुत चेंजेस हो गए हैं जिसकी वजह से आपको ये पहचान में भी नहीं आ रही होगी। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे उसके बाद का कुछ यहाँ पे ना ऐसे व्यूज़ बना दिया जिसके ऊपर मैं अभी चल रहा हूँ। ये ना पूरा नाला था यार पहले, यहाँ पे पूरा नाला था, अब यहाँ पे देखिए मतलब पूरी जिंदगी, वो कहते हैं ना एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ये लास्ट 2 साल का ही रिजल्ट है जितना आपको फ्रेम में दिखा रहे हैं। यहाँ पे ना मतलब जितनी शॉप्स थी उनके लिए पार्किंग के लिए बहुत अच्छा हो गया है। अब पार्किंग लोग यहीं पे लगा देते हैं, लोग यहाँ पे भी घूमते हैं। भाई बारिश तो बहुत दबा के हो रही है यार, मतलब काफ़ी सारे लोग भीग चुके हैं यहाँ पे। अब ना आपको कुछ रिव्यू लेते हैं लोगों के अंदर जाके। वो देखो हमारे बंदे बारिश में डिलीवरी करते हुए। तो ना सबसे पहले यार यहाँ पे सोमवार की मंडी के पास एक शॉप है जो बहुत नई खुली है, तिवाड़ी जी टेलीकॉम। तो यहाँ पे ना हम अंदर चल के कुछ बातचीत करते हैं इनसे। चलो आप अंदर चलते हैं। हेलो सर, कैसे हो? क्या हाल है सर? और ये हमारे तिवाड़ी जी है जिन्होंने यहाँ पे अभी तो नहीं कह सकते, 6-7 महीने हो गए ना सेटअप किया है। डेढ़ साल हो गया सेटअप किया है। अब मेरे को इसलिए नहीं पता ना, मैं पटियाला कम रहता हूँ, शूट पे ज्यादा रहता हूँ। तो इनसे बातचीत करते हैं यार। जो ना मेरे को ये बताओ सर, जितना ये आपको फ्रेम में दिखा रहा हूँ मैं पहले, जैसे यहाँ पे पहले नाला था, तो इससे मतलब अब रोड बन गया है ये सारा। अभी मैं चमकता विकास नगर इस वीडियो का टाइटल है, तो मतलब कितना प्रभावित हुए हैं हमारे यहाँ के लोकल, कैसा लगा आपको पहले ये चेंजेस का, मतलब ठीक है कैसे लगा ये? आपको जैसे पता ही है कि ये पहले नाला था, अब इसको सरकार ने बंद कर दिया, तो बहुत अच्छा काम किया सरकार ने। पहले बहुत गंदगी होती थी, मच्छर होता था, लोगों को बहुत परेशानियां होती थी। ओके, अब नाला बंद हो गया, बहुत सफाई है, बहुत लोगों को लाभ मिला इस चीज का। ओके, तो मेरे मतलब जैसे काफी फ्रेंड सर्कल में लोग बाहर रहते हैं, लाइक उन्होंने भी नहीं ये चीज देख रखी, तो वो भी इस वीडियो के जरिए ही देख रहे हैं। काफी सारे लोग जो पटियाला इंडिया छोड़ के जा रखे हैं बाहर, तो वो मेरी वीडियो के माध्यम से ही पटियाला देखते हैं। तो ये हम कुछ ऑडियंस के यहाँ पे रिव्यू ले रहे हैं। तो आप ही ने वैसे अभी अभी नया बिजनेस सेटअप किया है, तो आपका एक्सपीरियंस बताइए लोगों के लिए, कैसा है यहाँ पे, मतलब अच्छा रिस्पांस है? बहुत बढ़िया रिस्पांस है, बहुत बढ़िया काम है। ओके, बहुत अच्छे कस्टमर है। ओके, चलो फिर मिलते हैं, आप किसी और से बात करते हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत कीमती समय देने के लिए। हेलो, क्या नाम है आपका? ओके, क्या खा रहे हो आप? बनाना। तो ना अभी तिवाड़ी जी से बात करके तो यार बहुत मजा आया, मतलब बचपन से ही हम साथ में रहे हैं, लाइक अभी तो उन्होंने अपना बिजनेस अच्छा सेटअप कर लिया है। और हमारे प्रधान जी जा रहे हैं, ये देखिए ऑफिस जा रहे हैं,
और यह हमारे प्रधान है विकास नगर के पंच और यहाँ पे कुछ पानी जो है खड़ा हो चुका है। मतलब यार बहुत बढ़िया जो है डेवलपमेंट हो रखी है यहाँ पे अभी, और आने वाले टाइम में और भी हो सकती है, क्या क्या हो सकती है वो मुझे भी नहीं पता। ठीक है, तो अभी ना और लोगों से बातचीत करते हैं, यहाँ पे कोई अच्छी ऑडियंस हो उनसे बातचीत करेंगे, नहीं तो यहाँ पे अधिकतर लोग कैमरा फेस करने से बहुत ज़्यादा डरते हैं यार। भाई अभी ना मतलब यहाँ पे हमारे हरी भैया हैं, इनसे बातचीत कर रहे हैं कि इनको कैसा लग रहा है यहाँ पे। पहले तो सर बारिश हो रही है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बारिश में आनंद आ रहा है हमें। सुबह से बारिश हो रही है, वैसे मैं आपको पता ही है काम करने को मन नहीं था इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है, बारिश में घूम रहा हूँ। अच्छा मेरे को ये बताइए सर, जैसे यहाँ पे पहले नाला था, सुबह से फ्रेम में दिखा रहा हूँ मैं ऑडियंस को, यहाँ पे अभी ये बंद हो गया, तो आपको उसके बारे में कुछ बताइए, अपने व्यूज बताइए ऑडियंस को। बंद हो गया तो वैसे तो बहुत अच्छा होगा, ये दोनों तरफ रह जाता तो बहुत अच्छा था, क्योंकि अभी एक साइड में ट्रैफिक जाम हो जाती है, जब गाड़ी दो निकलती है तो okay. तो जाम लग जाता है यहाँ पे। ओके okay. इसकी वजह से जाम लग जाता है, बहुत जाम लग जाता है यहाँ पे। अब देखो आपके सामने से गाड़ी आ जा रही है और ये देखो दिक्कत हो जाएगी भी। तो ये ना वैसे जो आपको सामने दिखा रहा हूँ मैं, ये विकास नगर की आंगनवाड़ी है, यहाँ पे जितने भी प्रोग्राम होते हैं अधिकतर यहीं पे होते हैं, और यहाँ पे लोग देखिए कैसे फ्लाइंग किस कर रहे हैं हमें, मेरे फैन है। और कुछ बताइए सर, वहाँ से सर से बातचीत करते हैं एक और सर, शहज कम्युनिकेशन सर, आप बताइए आपको कैसा लगा, मतलब कुछ अपने व्यूज दिए ऑडियंस को, मतलब कैसा लगा? ठीक है, बढ़िया है सर। मतलब यहाँ भी जैसे पहले कैसे था, आप कैसा है, कुछ बिफोर वर्सेस आफ्टर दिखा रहा हूँ मैं ना, ये भी पहले विकास नगर कैसा पहले था? पहले तो बेटर है ओके, पर यहाँ पे सड़क रह जाती तो बहुत अच्छा था। ओके, मतलब दोनों तरफ सड़क रह जाती तो अच्छा था, रह जाती तो मार्केट बढ़िया चल रही। ओके, मार्केट बढ़िया, दोनों तरफ मार्केट डेड हो गई। ओके, उधर की भी इधर की बंदा पा रहे हैं, यानी पार्किंग में गाड़ी लगाएगा तो दूसरी तरफ से सड़क ब्लॉक हो जाएगी। ओके, इसलिए कस्टमर नहीं आएगा, गाड़ी वाला रुकता नहीं है। हाँ, गाड़ी वाला ज्यादा रुकता नहीं। तो ये यहाँ की ऑडियंस के व्यूज है जो आपको ना अभी बता रहे हैं। तो और बंदों से बातचीत करते हैं, यहाँ पे हमारे रोमी पाजी की दुकान है, जैसे आपको दिखाए थे अभी, अंदर जाके ना इनके व्यूज लेते हैं। कैसे हो आप? ये हमारे रोमी सर हैं, यहाँ पे मतलब इनकी करियाने की शॉप है, और मतलब बहुत ही थोक रेट पे ये सामान देते हैं, ये मैं नहीं बोल रहा, ये हमारी जनता बोलती है जो विकास नगर में रहते हैं। तो ना इनसे व्यूज लेते हैं, देखा जो हमारे एरिया की डेवलपमेंट हुई है, लाइक जैसे जो पहले थी और अब थी, मतलब तो इसके बारे में कुछ रिव्यू दीजिए। जैसे मैं काफी लोगों से अभी बातचीत करके आ रहा हूँ पीछे, तो आपके क्या रिव्यू है इसको लेके, कि पहले और आफ्टर में, बिफोर और आफ्टर में? पहले तो इसका बहुत बुरा हाल था, पहले की सरकारों ने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, अभी यहाँ पे बहुत अच्छा काम चल रहा है, बहुत बढ़िया है, बहुत अब देखने वाला है। टाइलें लॉक टाइल लग गई है यहाँ पे, सभी जगह सीवरेज पड़ गए हैं, लोग खुश हैं, पहले से बहुत खुश हैं। अभी सर इससे मतलब भी कोई दिक्कत भी होती है, लाइक जैसे अभी ना मैंने लास्ट अभी रिव्यू लिए थे किसी के, तो वो कह रहे थे कि अगर दोनों साइड होती रोड तो अच्छी होती, क्योंकि अभी एक साइड है तो गाड़ी खड़ी होती है तो ट्रैफिक जाम हो जाता है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आपको भी हो रही है? लाइक ऐसी कोई बात नहीं है, पार्क बनाए हुए हैं बड़ा, बाकी जैसे अभी भीड़ भड़का ज्यादा बढ़ेगा, वो रश होगा, तो थोड़ी ये भी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, ऐसी अभी जैसी जरूरत है वैसा ठीक चल रहा है। चलो थैंक यू सो मच सर, बहुत मजा आया आपसे बात करके, तो अभी हम आपको आगे लेके चलते हैं। ये ना यार सारी मतलब ऐसी लॉकिंग टाइलें यहाँ पे ना, जैसे आपको फोटोज में दिखा रहा हूँ भाई, ये पहले कुछ इस तरह से होता था यहाँ पे ये वाला एरिया, और ये पहले वाली फोटोज जो आपको अभी फ्रेम में दिख रही है, ये मुझे लगता है कि होंगी सबके पास, अब संभाल के किसने रखी है वो मुझे नहीं पता। तो भाई ये जितना भी देखिए आपको यहाँ पे जो लोकेशन मैं दिखा रहा हूँ, ये हमारे घर की लोकेशन है, विकास नगर गली नंबर 8 की। तो ये जो आपको अभी फ्रेम में जितना आपको चीज़ें दिखाई जा रही है, यहाँ पे ना पूरा पहले नाला था जैसे आपको फोटो में दिखाया था अभी, तो यहाँ पे आप पहले ये देखिए भाई, यहाँ पे ना अब इस टाइम ये सिचुएशन है कि आप एक टाइम में 3 गाड़ियाँ निकाल सकते हो, और पहले ये सिचुएशन थी आप एक टाइम में एक गाड़ी भी, यहाँ पे एक लोहे का नाला था उसको भी निकालने में मुश्किल हो जाती थी। तो यार ये अपनी एक वीडियो के जरिए मैंने आप आम जनता को दिखाया कि हमारे एरिए में जो है इतने चेंजेस हुए हैं, अगर किसी और एरिए में भी इतने चेंजेस हुए हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ना वीडियो अच्छी लगी हो, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, शेयर करें,
अगर आप मेरे चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो आपको अगली वीडियो के साथ मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।